हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञानम क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम एरर्स करने वाले हैं, स्पॉटिंग द एरर्स करने वाले हैं, जिसमें सब तरह के क्वेश्चंस हैं, लाइक प्रेपोजिशन से रिलेटेड है, कुछ टेंसेस से रिलेटेड है, कुछ एडवर्ब या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी रिलेटेड है। तो मिक्स्ड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, चाइना इज अ बिग कंट्री इन एरिया, इट इज बिगर देन माई नहीं है, यहाँ पे एनी है। बिगर देन एनी, यहाँ पे एनी लिखा हुआ है। एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट रशिया, एक्सपेक्ट रशिया या एक्सेस रशिया, तो क्या हो जाएगा? एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट या एक्सेप्ट, इनका मीनिंग आपको पता होगा। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना किसी चीज को। एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट रशिया। एक्सपेक्ट क्या होता है? किसी से उम्मीद रखना। और एक्सेस का मतलब क्या होता है? एक्सेस देना या किसी चीज का एक्सेस होना। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास्क वॉर्न बाय द मैन हेल्प्ड देम डैश देयर आइडेंटिटी। पहले सेंटेंस को हमने केयरफुली रीड करना है, उसके बाद ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट ऑप्शन है कंसील, सेकंड ऑप्शन है कंजील, सी ऑप्शन है मास्केरेड और डी ऑप्शन है चीट। देखो, तो यहाँ पे जो मास्क उसने पहना था, बाय द मैन हेल्प देम, किस चीज़ में उसने हेल्प की होगी मास्क ने? कंसील करने में उसकी आइडेंटिटी को, मतलब उसकी आइडेंटिटी को हाइड करने में, ठीक है? मास्करेड वर्ड भी है, मास्करेड का मतलब भी क्या होता है, बट इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज से प्रिवेंट होने के लिए आप उसको यूज कर रहे हो। नेक्स्ट है, ऑन द डैश ओकेजन ऑफ लक्ष्मी पूजा द माथुर्स बॉट अ न्यू कार। तो ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन बोलते हैं ना, जब कोई शुभ काम की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ दिवाली, तो क्या हो जाएगा? ऑफिशियस नहीं होगा, ऑस्पिशियस है, फॉर्चुअस है, प्रोस्पेरस है, ठीक है? तो प्रोस्पेरस का मतलब क्या होता है? जैसे प्रोस्पेरिटी हम बोलते हैं, उससे रिलेटेड है समृद्धि। यहाँ पे ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब शुभ अवसर पर, ठीक है? तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन विद एनी वन हु सीम्स कॉन्टीजियस, इन्फेक्शियस, डिजीज या डिफाइल्ड। देखो, कॉन्टीजियस क्या होता है? जैसे कि कॉन्टीजियस वो होती है, डिजीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन के द्वारा फैलती है, वायरस हो सकता है। इन्फेक्शियस हो जाएगा यहाँ पे, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। डिजीज इज रिलेटेड टू डिजीज, एंड डिफाइल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को स्पॉइल कर देना, उस सेंस में हम बोलते हैं डिफाइल कर देना। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फेक्शियस, ठीक है? बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द ट्रेजर वॉज हिडन डैश अ बिग शोर, ऑन अ बिग शोर, अंडरनीथ अ बिग शोर, टूवर्ड अ बिग शोर या ऑफ अ बिग शोर। प्रेपोजिशन का यूज करना है यहाँ पे, सही प्रेपोजिशन क्या होगी? ऑन अ बिग शोर नहीं होगा। अंडरनीथ का मतलब क्या होता है? कोई चीज दबी हुई हो, लेयर में दबी हुई हो, उसके लिए भी हम अंडरनीथ यूज करते हैं, ठीक है? एक बीनीथ होता है, बीनीथ का मतलब भी यही होता है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पैर के नीचे कुछ दबा हुआ है, तो मैं बोल सकती हूँ कि समथिंग इज बीनीथ माई फीट, ठीक है? अंडरनीथ में कैसे यूज कर सकती हूँ? फॉर एग्जाम्पल, ही इज वियरिंग द टी शर्ट अंडरनीथ द शर्ट, इस तरह से यूज कर सकती हूँ। तो अंडरनीथ नहीं आएगा, टू वर्ड नहीं आएगा, टू वर्ड्स होता है वैसे, ठीक है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑफ, ऑफ अ बिग शोर। ऑफ अ बिग शोर का मतलब क्या हुआ? कि बिग शोर के नियर बाय वो चीज है, ठीक है? ट्रेजर है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट है, इज नॉट लर्निंग सुपीरियर। तो देखो, ये तो इसका सीधा आंसर आपको मिल गया होगा।
सुपीरियर देन होगा, फ्रॉम होगा, बाय होगा या फिर टू होगा। तो अगर आपने प्रेपोजिशंस पढ़ी है, यू मस्ट हैव रेड, तो आपको पता होगा कि सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, प्रायोर, प्रेफर, प्रेफरेबल, दीज आर कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। और इन कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स के साथ ऑलवेज हम टू यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ देन व्हाइल वी आर कंपेयरिंग, ठीक है। ये ऑलरेडी कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स है, तो वो मुझसे सीनियर है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ही इज सीनियर देन मी, ही इज सीनियर टू मी आएगा, ठीक है। ही इज सीनियर टू मी, इन्फीरियर टू मी, जूनियर टू मी, प्रायोर टू हो जाएगा, प्रेफर टू हो जाएगा, आई प्रेफर कॉफी टू टी आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे भी सुपीरियर के साथ क्या आएगा, टू आएगा, क्लियर। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है, अ ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स डैश द मॉब टू ब्रेक डाउन द वाइस चांसलर्स डोर। तो जो ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स था, एजिटेटर कौन होते हैं, जो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं ना, जैसे कि गुस्से में कोई भीड़ हो उसको भी हम एजिटेटर बोल सकते हैं। तो द ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स लाइक राइट्स वगैरह भी होते हैं, उनके लिए यूज कर सकते हैं। तो विश्ड द मॉब टू, नहीं उन्होंने विश तो नहीं किया होगा ना मॉब को, एक्साइटेड तो एक काइंड ऑफ पॉजिटिव वर्ड हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, उत्सुक हो गए किसी चीज़ को लेके। थ्रेटन्ड भी नहीं होगा क्योंकि आगे आपको सेंटेंस भी पढ़ना है, बहुत बार हमें सेंटेंस में ही आंसर मिल जाता है, क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स, तो उन्होंने क्या किया, थ्रेटन्ड द मॉब टू ब्रेक डाउन द वाइस चांसलर्स, तो मॉब को थ्रेट तो नहीं किया होगा, इंसाइटेड, ठीक है। इंसाइटेड का मतलब होता है नेगेटिव वे में किसी को एनकरेज करना, उसके लिए हम इंसाइटेड वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ एजिटेटर को क्या किया गया, इंसाइटेड किया गया, इंसाइटेड द मॉब टू ब्रेक डाउन द वाइस चांसलर्स डोर। अच्छा, यहाँ पे एक और फ्रेज यूज हुई है, ब्रेक डाउन, इसका भी मीनिंग बता देती हूँ। एक होता है ब्रेक इनटू, ठीक है, और एक होता है ब्रेक ओपन, ब्रेक ओपन। ब्रेक इनटू का मतलब होता है, इनटू को आप ऐसे एंटर से याद कर सकते हो, मोशन से याद कर सकते हो, ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर बाय फोर्स, एंटर बाय फोर्स। ब्रेक ओपन का मतलब होता है ओपन बाय फोर्स, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बोलती कि जो एजिटेटर्स थे वो जबरदस्ती उसके घर में घुस गए, तो मैं बोल सकती थी दे ब्रोक ओपन बाय, दे ब्रोक ओपन, ठीक है, इन द हाउस ऑफ वाइस चांसलर, तो मैं बोल सकती थी। ब्रेक इनटू का मतलब, सॉरी, एंटर बाय फोर्स हो जाएगा, ब्रेक ओपन का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ देना। जैसे कि मैंने बोला कि जो सीआईडी में दया होता था वो हमेशा क्या करता था, वो दरवाजे तोड़ने का काम करता था ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि दया ब्रोक ओपन द डोर, ठीक है, या दया ब्रोक ओपन द लॉक, ठीक है। ब्रेक इनटू का मतलब हो गया जबरदस्ती घुस जाना, क्लियर। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन यूज हुआ है, ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई चीज काम करना बंद कर दे, उसके लिए भी हम ब्रेक डाउन यूज करते हैं, लाइक स्टॉप फंक्शनिंग हो गया है किसी मशीन का हो गया है, उसके लिए भी हम ब्रेक डाउन करते हैं। इसके अलावा इमोशनली कोलैप्स हो जाए कोई बंदा या कोई पर्सन, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, ब्रेक डाउन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन तोड़ने वाली, मतलब डोर से रिलेटेड सेंस में यूज हुआ है। चलो, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट, टर्न द लाइट्स ऑफ बिफोर यू गो टू बेड। तो वेरी सिंपल, मोस्टली इसमें प्रेपोजिशन की ही है, ऑफ आ जाएगा, ठीक है जी, या बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, देयर इज नो डैश एविडेंस टू सपोर्ट यू असर्शन, ठीक है। फेसाइल, फिक्शियस, फैक्टियस या फैक्चुअल, तो कैसे एविडेंस नहीं है, कोई फैक्चुअल एविडेंस नहीं है जो आपको सपोर्ट कर सके।
फिक्शियस नहीं होगा, ठीक है, फिक्शियस तो फिक्शन से रिलेटेड हो गया है, फिसाइल भी नहीं होगा, फैक्चुअस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फैक्चुअल एविडेंस, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रो अ स्टोन डैश द फियर्स डॉग, थ्रो अ स्टोन अपॉन द फियर्स डॉग, एट द फियर्स डॉग, ऑन द फियर्स डॉग या अबाउ द फियर्स डॉग, ठीक है। फियर्स क्या होता है, खूंखार, खतरनाक, है ना, उस वाली सेंस में डेंजरस, तो यहां पे क्या हो जाएगा, थ्रो अ स्टोन एट द फियर्स डॉग, एट प्रेपोजिशन यहां पे करेक्ट आएगी। नेक्स्ट है, इट इज कूल टूडे, इट इज कूल टूडे, ये जो सेंटेंस है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है। क्वेश्चन टैग्स क्या होता है कि जब आपके स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव, अगर आपके स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव, और सब बहुत इजी होते हैं ये, मतलब ये फ्री के नंबर है, अगर इनमें से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो। इट इज़ अ कूल टूडे, इसमें सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है और प्रोनाउन देखना है, बाकी आपको कोई मतलब नहीं होता है कि सेंटेंस में क्या लिखा है, किस बारे में बात हो रही है। तो लेट्स सी, यहाँ पे इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इट यहाँ पे प्रोनाउन है, तो इट इज कूल टूडे, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, इजंट इट, ठीक है। नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि हमारी स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो aren't नहीं होगा, didn't नहीं होगा, wasn't नहीं होगा, isn't it हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है, द बुक अल्टीमेटली रीच्ड द पर्सन डैश इट बिलोंग, बिलोंग्ड, द बुक अल्टीमेटली, बुक अल्टीमेटली उसी के पास पहुंच गई जिसको ये बिलोंग करती थी, तो जिसको के लिए क्या वर्ड यूज होगा, हु, वेयर, टू हूम या टू हू, तो क्या, हु मतलब जो, टू हूम मतलब होता है जिसको, वेयर मतलब होता है जहां से या जहां, और हु का मतलब होता है जो, ये रिलेटिव है, रिलेटिव प्रोनाउंस है ये, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द बुक अल्टीमेटली रीच द पर्सन टू हूम, ठीक है, टू हूम इट बिलोंग्ड, क्लियर। नेक्स्ट है, बिसाइड्स बीइंग रेप्यूटेड ही इज फेमस फॉर हिज, अच्छा इसमें सारे ऑप्शंस सिमिलर से लग रहे होंगे, ए ऑप्शन है ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज क्या होता है, सब्जेक्ट्स भी होते हैं ना हमारे ह्यूमैनिटीज में, कौन से सब्जेक्ट्स है, ठीक है। हॉस्टिलिटी क्या होता है, हॉस्टिलिटी इज रिलेटेड टू हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है किसी को लेके नफरत होना, उसको हम हॉस्टाइल बोल देते हैं, ठीक है। ह्यूमिलिटी और ह्यूमिलिएशन, अब ये दोनों वर्ड सेम से लग रहे हैं, ह्यूमिलिटी और ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिटी होता है कि जो इंसान ना, जिसमें बहुत ही, हम बोलते हैं डाउन टू अर्थ है बड़ा ही, जिसमें कोई घमंड नहीं है, उसको हम बोल सकते हैं कि विद ह्यूमिलिटी है ये पर्सन। ह्यूमिलिएशन क्या होता है, ह्यूमिलिएशन होता है आप किसी को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, बोलते ना बड़ा उसको ह्यूमिलिएट किया गया, उसको बड़ा अपमानित महसूस हुआ, उसका बड़ा अपमान किया गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमिलिएशन बोलेंगे। अब हम सेंटेंस पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा, तो बिसाइड्स बीइंग रेप्यूटेटेड, रेप्यूटेटेड होने के बावजूद भी ही इज फेमस फॉर हिज ह्यूमिलिटी, ठीक है, उसकी ह्यूमिलिटी के लिए वो क्या है, फेमस है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। होप यू गॉट इट, चलो नेक्स्ट है, देयर वाज अ क्यू, क्यू ऑफ पीपल इन द रेन पेशेंटली वेटिंग टू गेट डैश द कोच, तो गेट एट द कोच, गेट ऑन द कोच, दैट गेट ऑन टू द कोच, तो करेक्ट जो यहां पे प्रेपोजिशन हो जाएगी वो होगी द गेट ऑन टू द कोच। वैसे इनटू और ऑन टू मोस्टली हम मोशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, आई डैश अ टेरिबल ड्रीम लास्ट नाइट, मतलब पिछली रात की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, आई गोट तो नहीं होगा, आई सो ड्रीम, देखने को कभी भी हम सो नहीं बोलते, कभी भी आप ऐसे नहीं बोलोगे आई सो अ ड्रीम लास्ट नाइट, यू कैन नॉट से, ठीक है, क्योंकि सो का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी आंखों से कुछ देखा, बट ड्रीम को तो आपने देखा नहीं है ना, आप तो सो रहे थे, ठीक है,
तो क्या नहीं आएगा, गोट नहीं आएगा, सो नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, तो क्या आएगा, आई हैड अ टेरिबल ड्रीम लास्ट नाइट, ठीक है। या फिर सिंपल मतलब इन अनदर सेंटेंस मैं बता रही हूँ, ड्रीम्ड भी आ सकता है या ड्रीम बोल सकते हैं हम। चलो नेक्स्ट है, मिस्टर अहमद वेंट डैश अ वेरी टफ टाइम व्हेन ही इनकर्ड अ लॉस इन हिज बिजनेस। तो वेंट अ वेरी टफ टाइम तो क्या बोलते हैं, वेंट थ्रू, है ना, जैसे हम बोलते हैं हम गोइंग थ्रू वेरी टफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वेंट थ्रू। नेक्स्ट है, द लॉयर एडवाइज द कन्विक्ट नॉट टू डैश एनीथिंग, नॉट टू होल्ड अप। ये फ्रेजल वर्ब्स है, ठीक है, मतलब इनको हम बोल सकते हैं कि प्रेपोजिशन कुछ फिक्स्ड होती है जो ऐसे यूज होती है। तो होल्ड अप हो जाएगा, होल्ड ओवर हो जाएगा, या होल्ड बैक, या फिर होल्ड इन। तो करेक्ट जो प्रेपोजिशन होगी यहाँ पे क्या हो जाएगी, होल्ड बैक। बोलते हैं द लॉयर एडवाइज द कन्विक्ट नॉट टू होल्ड बैक एनीथिंग, किसी भी चीज़ को मत रखना, है ना, किसी भी चीज़ को अपने मन में मत रखना, बता देना। तो उस सेंस में हम क्या बोलेंगे, होल्ड बैक। नेक्स्ट है, हॉस्पिटल सर्विसेज अक्रॉस द कैपिटल डैश फॉर 3 hours ड्यू टू द स्ट्राइक। तो वर्ड डिस्ट्रप्टेड, हैड बीन डिस्ट्रप्टेड, आर डिस्ट्रप्टेड, हैव डिस्ट्रप्टेड। तो ये आपको, अगर आपको टेंसेज का पता है तो आप इजीली आंसर इसका निकाल सकते हो कि हॉस्पिटल जो सर्विसेज थी अक्रॉस द कैपिटल, पूरी कैपिटल में क्या हो गई थी, वर डिस्ट्रप्टेड फॉर 3 hours ड्यू टू द स्ट्राइक। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स डे इज पोस्टपोन्ड एंड इट वुड नाउ डैश ऑन द 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ। फ्यूचर की बात हो रही है, कब होगा फिर से, तो वुड नाउ, टू बी हेल्ड, बीन हेल्ड, बीइंग हेल्ड या बी हेल्ड। तो इट वुड नाउ बी हेल्ड ऑन 14th ऑफ नेक्स्ट, ठीक है, तो बी हेल्ड ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोच लीव्स एट 5:20, सो गेट द स्टेशन बिफोर दैट, आफ्टर दैट, अंटिल दैट, या फिर फ्रॉम दैट। तो आप समझ सकते हो, बोल रहा है कि द कोच लीव्स एट 5:20, तो आपको स्टेशन उससे पहले ही पहुंचना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, बिफोर दैट। क्लियर, so that's all for today, thank you so much, have a good day ahead.